हेलो दोस्तों, वेलकम टू A3 मोटर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे पास है मौजूद एक स्प्रे पेंट जो कि है सिल्वर कलर का, और उसी के साथ साथ हमारे पास मौजूद एक गंदा सा इंजन, मतलब इंजन में आपको छोटा सा धब्बा होकर इंजन का कलर उड़ चुका है। तो चलिए, बेसिकली आज की इस वीडियो हम देखने वाले इस स्प्रे पेंट को इस इंजन पर देने की पूरा तरीका डिटेल्स में देखने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपके पास अगर इस तरह की बाइक होगा जिसका कलर उड़ चुका है, तो क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पहले बता दें कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने इसे खुद ख़रीदा है और फिर इसे हमें अप्लाई करके देखते हैं। चलिए, आखिर तक वीडियो बने रहेगा, आखिर में हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, तो दोस्तों, इससे पहले हम स्प्रे पेंट को इस पर अप्लाई करें, उससे पहले कुछ आपको बता दें बात। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इंजन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इंजन ठंडा होना चाहिए। आप गर्म इंजन पर अप्लाई मत कीजिएगा, जिसका वजह से क्या हो सकता है कि आपके जो आपके कलर करेंगे आप, वो आपकी टिकेगा नहीं और जल्दी ही उतर जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपकी स्प्रे पेंट का और भी डस्ट जा सकता है, तो आप प्लीज़ उस जगह को आपको कवर कर दीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। तो लगभग यही था मेन दो बात। चलिए, हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का एक तरीका होता है, अप्लाई करने के पहले आपको जो आपकी कैन है वहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा देर तक, लगभग 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक आपको इसको चेक करना चाहिए। तो चलिए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने इसको लगभग बहुत देर तक चेक कर चुका हूँ। तो चलिए, हम देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने का एक तरीका है कि आपको हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए, मतलब आपको कभी भी टेढ़ा नहीं, आपको सीधा लाइन में अप्लाई करना चाहिए, इस तरीके से। उससे पहले आप इसे कोई पेपर पर अप्लाई करके देख लीजिए, और जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आप लगा कर देख लीजिए क्या ये जो कलर आपने लिया है क्या उसके साथ मैच कर रहा है। तो मैंने मैच करके देख लिया है कि लगभग 90% मैच कर रहा है। तो चलिए, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं लगभग आप इसको सिंगल डायरेक्शन पर मूव कर रहा था, जो कि आपने देखा है। तो चलिए, मैं आपको अभी इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।